तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे हम बिजी के अंदर चेक प्रिंट करते हैं। सबसे पहले हम चेक प्रिंटिंग वाले ऑप्शन को अनेबल करेंगे। तो ऑप्शन को अनेबल करने के लिए हम आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स एंड ऑप्शन, अकाउंट्स को ओपन करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन है चेक प्रिंटिंग का, इसको हम अनेबल करेंगे और इसको सेव करेंगे। ऑप्शन को अनेबल करने के बाद अब हम चेक प्रिंटिंग के लिए फॉर्मेट सेट करेंगे। अब फॉर्मेट सेट करने के लिए हम आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर ऑप्शन है चेक प्रिंटिंग का, इसको ओपन करेंगे। अभी यहाँ पर हम देखेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमको शो हो रहा है। इसका मतलब है कि जो भी हमारा चेक फॉर्मेट क्रिएटेड होगा पहले से, उनके नाम हमको यहाँ पर शो हो जाएंगे। अभी हम यहाँ एक नया चेक फॉर्मेट ऐड करते हैं। ऐड फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये हमसे फॉर्मेट का नाम पूछेगा, हम फॉर्मेट का नाम बता देंगे। तो अभी जैसे हम ICICI बैंक का चेक फॉर्मेट क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम नाम दे देंगे ICICI। यहाँ पर जिस भी बैंक का चेक होगा उस बैंक का नाम हम यहाँ पर डाल देंगे। इसको सेव करेंगे। फॉर्मेट हमारा ऐड हो चुका है। अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए फॉर्मेट को हम सेलेक्ट करेंगे, कॉन्फ़िगर फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कॉन्फ़िगर चेक के ऊपर क्लिक करेंगे। चेक कॉन्फ़िगरेशन की विंडो ओपन हो जाएगी। अब सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमको प्रीव्यू शो हो रहा है, तो यहाँ पर प्रीव्यू शो होगा चेक का। चेक की इमेज आपको यहाँ पर शो हो उसके लिए आप चाहें तो चेक को स्कैन कर सकते हैं, या सबसे ज़्यादा सिंपल है कि हम एक ब्लैंक चेक गूगल से डाउनलोड कर लें। यहाँ पर मैंने इसको गूगल से डाउनलोड किया है। चेक का प्रीव्यू यहाँ पर लाने के लिए हम इस ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे, स्पेसिफाई चेक इमेज इन प्रीव्यू, और उसके बाद यहाँ से हम उस चेक की इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट हो जाने के बाद चेक का प्रीव्यू यहाँ पर हमको शो होने लगेगा। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन है प्रिंट नेम, अमाउंट इन वर्ड्स, डेट और टोटल अमाउंट। इनको हम मूव कर सकते हैं। इनको यहाँ पर जैसे हम मूव करके सेट करते हैं वैसे ही ये चेक के ऊपर प्रिंट होकर आएंगे। इनको आप अपने चेक के हिसाब से सेट कर लें। सेट हो जाने के बाद ओके के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। चेक का फॉर्मेट हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इसको हम प्रिंट कैसे करेंगे उसको समझते हैं। सबसे पहले हम अपने बैंक अकाउंट को मॉडिफाई मोड में ओपन करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन है अनेबल चेक प्रिंटिंग, इसको यस करेंगे और अपने बैंक के हिसाब से जो भी हमने चेक फॉर्मेट क्रिएट किया है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सेव करेंगे। अब हम एक पेमेंट की एंट्री पास करते हैं और देखते हैं कि चेक हमारा कैसे प्रिंट होकर आएगा। यहाँ पर हम डेट बताएंगे, जो भी डेट हम यहाँ पर बताएंगे वो डेट हमारी चेक के ऊपर प्रिंट होकर आएगी। और अगर हम कोई PDC चेक इशू करते हैं तो जो हम डेट PDC डेट के अंदर डालेंगे वो डेट फिर चेक के ऊपर आएगी। PDC चेक क्या है और इनकी एंट्रीज हम कैसे करते हैं ये चीज़ जानने के लिए ऊपर आई बटन के अंदर वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। अभी यहाँ पर हम एक रेगुलर एंट्री पास करते हैं। ABC ट्रांसपोर्ट को हम 50,000 पे कर रहे हैं। बैंक हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसको हम सेव करेंगे। जब हम इसको सेव करेंगे तो ये हमसे पूछता है कि आपको चेक प्रिंट करना है या नहीं। अगर हमको चेक प्रिंट नहीं करना तो हम इसको नो करके सेव कर लेंगे, और अगर हमको इसको प्रिंट करना है तो यस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको फॉर्मेट का नाम शो हो रहा है। इसके बाद ऑप्शन है प्रिंट चेक का, इसके अंदर हम सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे विद वाउचर अमाउंट। जो भी हमने अभी वाउचर के अंदर अमाउंट डाला था उस अमाउंट से चेक हमारा प्रिंट होगा। ओके के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको हम प्रिंट कर लेंगे। अभी यहाँ पर हम प्रीव्यू देख लेते हैं कि कैसे यह हमको शो होगा। यहाँ पर हमारी डेट आ रही है, पार्टी का नाम है, अमाउंट इन वर्ड्स है, टोटल अमाउंट हमारा यहाँ पर आ रहा है। इस तरीके से ये हमारा चेक के ऊपर प्रिंट होकर आ जाएगा।
अब बात करते हैं कि कैसे हम बल्क में चेक प्रिंट कर सकते हैं। बल्क में चेक प्रिंट करने के लिए हम आएंगे प्रिंट ईमेल एसएमएस ऑप्शन के अंदर। इसके अंदर लास्ट ऑप्शन है प्रिंट यूटिलिटीज, चेक प्रिंटिंग, इसको ओपन करेंगे। बैंक नेम सेलेक्ट करेंगे, डेट बताएंगे कब से कब तक के चेक हमको प्रिंट करने हैं। चेक फॉर्मेट हमारा यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर वाउचर अमाउंट को हम सेलेक्ट करेंगे। एंट्रीज यहाँ पर हमारी हमको शो हो जाएंगी। जिस भी एंट्री का हमको चेक प्रिंट करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, ओके के ऊपर क्लिक करेंगे और इनको प्रिंट कर लेंगे। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। ऐसे ही बिजी के हेल्पफुल ट्यूटोरियल्स देखने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।